नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, अंदर आ सकता हूँ? आइए देखते हैं मजाया होता है। रावण ब्राह्मण, इतना बड़ा ब्राह्मण वो मांस खिला रहा है अपने बंदे को, ये दिमाग है इनके अंदर। वेल्डिंग कर रहा है वो, क्या दिमाग है? मास्क लगा के, मास्क लगा के कोई छू नहीं सकता, वो मार खा रहे हैं। लात मार रहे हैं, लक्ष्मण भगवान मार खा रही क्या? मैं तो ये कहता हूँ इस मूवी का ये पहला और आखिरी शो है, इसको यही बंद कर दो, बस खत्म। तो सीट रिजर्व करिए ना, अगर थिएटर के अंदर बजरंग बली उस सीट पर बैठकर अगर पूरी मूवी देख लेते ना, तो अपने गधे से उन गधों को मारते। समझ रहे हो ना? इन्होंने ये मूवी के डायलॉग लिखे है, कॉस्ट्यूम डिजाइन करी है, और ये मूवी के जो डायरेक्टर है, मूवी के अंदर क्या दिखाया है कि बजरंग बली ने चमड़े का वो पहन रखा है बजरंग। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। लीने हैं और ऐसे करके ग्रीट कर रहे हैं, ये वेस्ट कल्चर है भाई, ऐसे करके ग्रीट करने वाला। हमारा जो संस्कृति है हमें ऐसे करके ग्रीट करना दिखाती है। सीता माता को क्या बना दिया, भगवान राम को जीसस बना दिया, एक नाथ को तो तुमने WWE का ट्रिपल एच बना दिया, पूरे शरीर में टैटू है राम। शिव भक्ता वो रुद्राक्ष की माला तोड़ रहे, पुष्पक विमान चमगादड़ बन गया, बजरंग बली की पूछ पाक लगाई जा रही है, और बजरंग बली कह रहे हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। यही नहीं, अभी और सुनिए। मतलब उस लंका को वो कह रहे हैं कि जलेगी भी तेरे बाप की, ये कि छपरियों के बीच में बैठ के डायलॉग लिखे गए फिल्म मेकर्स ने। हनुमान चालीसा की छुपाई है कि सूक्ष्म रूप धरी सीही दिखावा, विकट रूप धरी लंके जलावा। मतलब मैं हनुमान, मतलब बजरंग बली कहते हैं कि मैंने छोटे से छोटा रूप धारण करके माँ सीता को दिखाया, और अपना विशाल रूप धारण करके मैंने लंका को जलाया। अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए। अब आदि पुरुष में देखो किस तरीके से दिखाया गया, माँ सीता के सामने इतने बड़े बजरंग बली दिखा दिए गए हैं। जब माँ सीता का हरण हुआ था, तो जब पुष्पक विमान में माँ सीता जाती है, तो वो अपने ऑर्नामेंट्स होते हैं वो फेंकते हुए जाती है, बस एक चूड़ामणि होती है जो अपने बालों में छुपा लेती है। बजरंग बली से जब मिल रही है माँ सीता, चूड़ामणि की जगह वहाँ पे बैंगल्स दिखा दिए, मतलब चूड़ामणि को बैंगल से चेंज कर दिया। 600 करोड़ में बनी है ना मूवी, मैं कह रहा हूँ रामानंद सागर की जो रामायण है ना, वो अभी रिलीज कर दो इस पूरे देश के अंदर, 3 दिन के अंदर 600 करोड़ रुपए कमा लेगी। अगर हम केरला स्टोरी देख के निकले थे ना, तो हमने 10 लोगों को घर पे जाके बताया था कि मूवी देख के आओ, उसके भी जा रहे हैं 10 लोगों के घर के बाद ये बोलने के लिए देख। मैं आदि पुरुष अभी देख के निकला हूँ, एंड बाय गॉड हम सबको मिलकर तपस्या करनी चाहिए कि हनुमान जी प्रकट हो जाएं और अपनी गदा से इन सबकी गुद्दी थपेड़ दे। इंद्रजीत अपने भैया सारे के सारे बाण, चोरी का दंड बड़ा, क्योंकि इन लोगों ने इतनी गंदी फिल्म बनाई है। ओम रॉट अपने आप को वाल्मीकि समझ रहा है, ये छठी फेल। अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसने इतनी भी केयर नहीं करी कि बेसिक्स पढ़ लूं मैं रामायण के, जो भी हमने रामायण में पढ़ा है सब कुछ गलत है, सेक्सुअलाइज करा हुआ है चीजों को रामायण में भैया। अब ये तो और चलेगी। बेचारा जिसकी चलती है वही चलता है। अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए। राजा आपका कपड़ा तेरे बाप का, अद्भुत है तेल तेरे बाप का, और कांति आप भी तेरे बाप की, आप में एक महान चलेगी भी तेरे बाप। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।